करेंगे किसका मान और किसकी हानि। बदनावर में मानहानि मामले में मध्य प्रदेश में अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भी वीडी शर्मा को कटघरे में खड़ा करूंगा। ये बड़ी बात कही है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर उन्होंने कहा कि मैं भी वीडी शर्मा को कटघरे में खड़ा करूंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी रगों में अंग्रेजों का खून बहता है। मुझे देशद्रोही और पाकिस्तान समर्थक वीडी शर्मा बताते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी कटघरे में खड़ा करूंगा। इधर व्यापम घोटाले पर वीडी शर्मा पर लगाए आरोपों पर भी उन्होंने कहा कि जो जानकारी मेरे पास थी उसी के आधार पर आरोप लगाए हैं। वीडी शर्मा ने पिछले दरवाजे से अपनों के एडमिशन कराए हैं। बड़ी बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही है। मानहानि को लेकर, इस मामले को लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। व्यापम और डीमैट की परीक्षा में जो मेरे पास जानकारी थी, आज तक की रिपोर्ट है, वायर में रिपोर्ट है, जिसमें बीडी शर्मा का नाम है कि इन्होंने डीमैट के अंदर अपने लोगों को पिछले दरवाजे से उनको एडमिशन दिलाया है, उसके आधार पर मैंने आरोप लगाया। और ये मेरा अधिकार है, क्योंकि जब जांच उसकी हो रही है, अगर मेरे पास कोई जानकारी आती तो मुझे ये बात कहने का अधिकार है। अब वो जब मुझे राष्ट्रद्रोही कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के खून में अंग्रेजों का खून, रगों में अंग्रेजों का खून बह रहा है, क्या इस बात को आप क्या मानेंगे? अब उनको भी मुझे कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। इसमें केवल मैं इतना कहूंगा कि ये मामला भी न्यायालय के अधीन है, इसलिए न्यायालय इस मामले को देख रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया था, और अब दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये बात कर रहे हैं कि मैं भी उन्हें कोर्ट में, उन्हें कटघरे में खड़ा करूंगा, क्योंकि वीडी शर्मा ने पिछले दरवाजों से अपनों के एडमिशन करवाए हैं। साथ ही ये कहा कि मुझ पर लगातार पाकिस्तान समर्थक होने के आरोप वीडी शर्मा लगाते रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस किया, मामला कोर्ट में है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने तो पिछले दरवाजे से अपने के एडमिशन करवाए हैं, आखिर ये मामला कहाँ जाकर थमेगा? कैसी तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? देखिए, हमें लग रहा है कि 2023 और 24 की राजनीति क्या मानहानि या कोर्ट के जरिए आगे बढ़ने वाली है। मुद्दा राहुल गांधी से लेकर वर्तमान दिग्विजय सिंह तक को आप देख लीजिए। एक और सुनवाई अभी कल परसों में ही होना है, जिसमें कपिल सिब्बल पैरवी करने वाले हैं, ये अलग मसला विवेक तनखा साहब का। तो ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियाँ एक दूसरे को लेकर कोर्ट के जरिए राजनीति करना चाहती, आगे बढ़ना चाहती है। ये बात सच है कि एक आरोप लगाया गया था बीडी शर्मा जी पर, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हुए उसकी जो याचिका थी उसको स्वीकार भी किया गया। जाहिर है इसमें दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी, जैसा कल भी बीडी शर्मा ने कहा था कि अब कोर्ट में मसला है, कोर्ट तय कर देगा कि आखिर किस बात को लेकर। व्यापम को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो दिग्विजय बीडी शर्मा ने ये कहा था कि वो उसका स्पष्टीकरण दे, वो बताएं कि आखिर वो आरोप क्यों लगाए गए, उनके पास ऐसे कौन से साक्ष्य, कौन से सबूत है जिसके आधार पर। तो इसी को मानहानि बताया गया बीडी शर्मा की तरफ से, और वो स्वीकार भी हो गया। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने ये कहकर मुश्किल बढ़ा दी है कि मैं भी, क्या मैं अंग्रेज से जुड़ा हुआ हूँ, क्या मैं अंग्रेज का वंशज, जिस तरह की उन्होंने बातें कही है। तो मुझे लगता है ये दोनों ही तरफ से बहुत आगे जाने वाला, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी लगातार हमने देखा 2-3 बार वो मानहानि के मामले में अलग अलग नेताओं को कोर्ट ले जा चुके हैं, दूसरी तरफ बीडी शर्मा ने मुकदमा दर्ज करा ही दिया है। तो हमें लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसमें आगे होंगे, और खासकर दिग्विजय सिंह वर्सेज बीडी शर्मा 2023 से पहले ये बड़ा कोर्ट के जरिए लड़ाई लड़ने की तैयारी है। अब इसमें किस हद तक जाएगी, कौन जीतेगा, किसको कोर्ट का क्या निर्णय होता है, इस पर नजर जरूर टिकी रहेगी। लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे मसले हैं जो मानहानि को लेकर, चाहे राहुल गांधी की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, या विवेक तनखा की बात करें, ये सब वो मसले दिखाई दे रहे हैं जो आने वाले दिनों में मानहानि का मान, किसका सम्मान, ये समझ आएगा। बिल्कुल, और इस मानहानि में आखिर किसकी हानि होगी ये भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा मनोज जी कि चुनाव से पहले अब ये जो वार पलटवार है इसी तरह चलता रहेगा, और क्या तमाम आरोप कोर्ट तक जाकर ही समाप्त होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए सर।
तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर बड़ा